हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम अपनी पहली एचटीएमएल की फाइल बनाएंगे और कुछ नए टैग्स के बारे में सीखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो फाइल का नाम है वो माई फर्स्ट डॉट एचटीएमएल है। तो जो भी कोई एचटीएमएल की फाइल होती है, हम उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एचटीएमएल होता है। तो जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो हम उसके लास्ट सेव करने के टाइम पे हम लास्ट में डॉट एचटीएमएल ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पहली लाइन डॉक टाइप एच टी एम एल लिखी है रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एच टी एम एल फाइव यूज़ किया है हमने। तो जो स्टार्टिंग में हम डॉक टाइप लिखने के बाद हम एच टी एम एल टैग यूज़ करेंगे। और अभी जब हमने एच टी एम एल टैग स्टार्ट किया है तो वो एंड में आके एच टी एम एल टैग क्लोज भी होगा। और जितना भी हमने यूज़ करना है वो सारा इन एच टी एम एल टैग्स के अंदर ही यूज़ करना है, जितने भी हमने बाकी टैग्स यूज़ करने हैं। अब हमने यहाँ पे हेड टैग यूज़ किया है और हेड के अंदर हमने यूज़ किया टाइटल टैग। अब उस टाइटल टैग जो हमने स्टार्ट किया है, हमने टाइटल टैग को क्लोज करने के लिए हमने एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया है। तो जो कोई भी टैग हमने क्लोज करना है वो उसे हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके क्लोज करेंगे। अब तो टाइटल टैग के अंदर हम अगर कुछ भी टाइप करें तो वो हमारे ब्राउज़र के यहाँ पर शो होगा, टैब हमारे उस टैब को डिस्क्राइब करेगा। तो अगर मैं जैसे वहाँ पे टाइटल टैग के अंदर माय न्यू वेब पेज लिख दूँ तो यहाँ पे न्यू टैब की जगह मुझे माय वेब पेज लिखा हुआ आएगा। तो जो मेन काम होता है ना ब्राउज़र का, वो सारा हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। आपने जो जितने ब्राउज़र देखे होंगे तो जितना भी उसमें कंटेंट डिस्प्ले हो रहा होता है वो सारा बॉडी टैग्स के अंदर ही हो रहा होता है। तो अब जैसे मैंने wikipedia.org वेबसाइट खोल रखी है तो इसमें जितना भी ये वाला पोर्शन है सारा हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो अब हम HTML टैग्स के बारे में सीख लेते हैं। तो जो पहला जो सबसे बेसिक कॉमन टैग हम यूज़ करते हैं वो है हेडिंग टैग। अब हम कुछ भी कंटेंट लिखते हैं तो हमेशा एक उसकी हेडिंग तो देते ही है ना। तो जो HTML में जो उसका सिंटेक्स है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, हम H के आगे एक नंबर यूज़ करते हैं जिसका रेंज 1 to 6 तक लेकर होता है। अब यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं हमने H1 टैग के अंदर लिखा है दिस इज़ अ हेडिंग 1 और H1 टैग को क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है, H1 का मतलब ये है कि जो इसका हेडिंग का जो फॉन्ट साइज़ है वो सबसे बड़ा आएगा। अब अगली लाइन पे अब जैसे देखो हमने यूज़ किया है H2 और थर्ड लाइन पे हमने यूज़ किया है H3। तो आप नीचे इस इमेज में देख सकते हैं कि जो हेडिंग 1 उसका फॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा है और वो डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे हम नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं H के आगे का। तो H6 की जो फॉन्ट साइज़ है वो सबसे छोटा है और जो H1 का फॉन्ट साइज़ है वो सबसे बड़ा है। तो ये था हमारा हेडिंग टैग। अब इसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ। अब पैराग्राफ टैग जो होता है वो उसका सिंटेक्स P होता है, हम P को टैग के फॉर्म में लिखते हैं। और जैसे इसका क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे, जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे, वो सारा हमारा पैराग्राफ के फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। अब जो अगला टैग है वो है BR टैग। BR टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है और उसका यूज़ होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब BR टैग का कोई एंडिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ एक एम्प्टी टैग होता है, तो इसलिए इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। इसे हम बस BR ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट के बीच में हमने BR टैग यूज़ किया हुआ है, तो उससे क्या हुआ कि जो अ लाइन ब्रेक यहाँ लिखा हुआ है वो हमारे नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउज़र पे। तो अब हम इन टैग्स को यूज़ करके एक अपनी पहली वेबसाइट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी अपना एडिटर ओपन कर लो जो भी आपके कंप्यूटर में है। मैं नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। तो सबसे पहले हम ये डॉक टाइप HTML लिखते हैं, उसके बाद हम HTML का टैग लगाएंगे और साथ ही साथ में हम उसका एंडिंग टैग भी यूज़ करेंगे ताकि हम भूल ना जाए एंडिंग टैग यूज़ करना। अब जितना भी हम कंटेंट लिखेंगे वो उस HTML टैग्स के अंदर लिखेंगे। तो HTML टैग क्या आता है, हेड टैग। हेड टैग हमने क्लोज किया और हम अब हेड टैग के अंदर ही अपना टाइटल टैग यूज़ करेंगे। अब आपको याद होगा कि टाइटल टैग से होता क्या है, वो जहाँ पे न्यू टैब लिखा आता है
उसकी जगह हम कुछ और नाम देना चाहते हैं तो वो हम इसके थ्रू दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माई फर्स्ट वेब पेज। अब हमने हेड के बाद हम यूज़ करते हैं बॉडी, बॉडी को मैंने क्लोज किया। बॉडी के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग दे दी। अब हेडिंग टैग को क्लोज किया, हेडिंग टैग के अंदर लिखा हे गाइस। तो नेक्स्ट लाइन पे जैसे मैंने पैराग्राफ लिखना है अपना, पैराग्राफ टैग को पहले क्लोज किया, उसके और टैग्स के अंदर मैंने लिखा वेलकम टू कोडिंग यान। अब मैं बी आर टैग भी इसमें यूज़ करूँगा। अब जैसे मैंने टू और कोडिंग यान के बीच में मैंने लाइन ब्रेक करनी है, तो मैं बी आर टैग यूज़ करके लाइन को ब्रेक कर दूँगा। अब बारी आती है कि हम अपने ब्राउज़र पे इसे शो कैसे करें। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अपने फाइल को पहले सेव करना। कंट्रोल एस दबा के सेव करें, आप कहीं भी इसे सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, मैं कुछ भी नाम दे दूँगा। मैं लिखूँगा फर्स्ट, और एक्सटेंशन यूज़ करनी है .html की, उसके बाद करूँगा इसे सेव। अब सेव करते ही मैं अपने फाइल को खोलूँगा, तो आप ये देखिए ये वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो चुकी है। जो हमने हे गाइस उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने H1 यूज़ किया था, सबसे फ़ॉन्ट साइज़ का सबसे बड़ा होता है। और उसके बाद हमने जहाँ बी आर टैग यूज़ किया था वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो अब जैसे अब अगर हम एक और हेडिंग दे के देखते हैं, हम देते हैं H4 हेडिंग, तो जो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो हमारे H1 हेडिंग से छोटा होगा। माई सेकेंड हेडिंग, मैंने इसे सेव किया और अपने ब्राउज़र पे आके मैंने रिफ़्रेश कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारे फर्स्ट हेडिंग से छोटा है। अब इसके बाद अच्छा, अब हमें हेडिंग को भी ब्रेक कर सकते हो बी आर टैग से। मैंने सेकंड के बाद बी आर यूज़ किया और इसे सेव किया, और ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करने के बाद मेरा जो हेडिंग है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो हमने अपनी पहली वेबसाइट बना ली द मोस्ट कॉमन जो बेसिक टैग्स हैं उन्हें यूज़ करके। तो थैंक तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइज़।